Morning to all. Today I will explain the topic amputation. So what is the amputation? Okay. So amputation क्या है? Amputation एक surgical reconstructive procedure होता है. ठीक है. और amputation में क्या करते हैं? Total और partial surgical removal of extremity. ठीक है. जो body part extremity है, उनका total, partial और total. ठीक है. Surgical removal करना. जैसे कि आपने आप सभी ने कभी सुना होगा कि जैसे कि बोलते हैं कि किसी का हैंड, ठीक है, हैंड या फिर फिंगर या फिर लेग काट दिया गया है, ठीक है, किस चीज़ के लिए उनको भी प्रॉब्लम था, जो भी डिफेक्ट है या डिजीज कंडीशन, ठीक है, जो भी उनको प्रॉब्लम होगा, तो ये हम इससे शो क्या, ये क्या कहलाता है, ये सर्जिकल रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुटेशन. तो वही चीज है, एम्पुटेशन क्या होता है, एक टोटल और पार्शियल सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन एक्सट्रीमिटी. ठीक है, और जो एम्पुटेशन है, ठीक है, एक सर्जिकल रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर होते हैं, और एम्पुटेशन क्यों करते हैं, इससे क्या है, ठीक है, तो ये क्यों करते हैं, टू रिलीव सिम्टम, ठीक है, उनकी जो सिम्टम है उससे रिलीफ लाने के लिए एम्पुटेशन किया जाता है. ठीक है, इम्प्रूव फंक्शन, उनकी जो फंक्शन एक्टिविटी है उनको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है. और क्या करते हैं, उनको जो जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, उनको सेव और इम्प्रूव करने के लिए भी एम्पुटेशन किया जाता है. ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा एम्पुटेशन. अब हम देखते हैं एम्पुटेशन के इंडिकेशन. तो किस किस कंडीशन में, ठीक है, क्या इंडिकेशन है एम्पुटेशन के, तो फर्स्ट क्या होता है, कुल्मिनेटिंग ऑफ गैस गैंग्रीन. कुल्मिनेटिंग ऑफ गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन इंफिल्स सेल्स ऑफ टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाना. ठीक है, तो इस कंडीशन में भी एम्पुटेशन. और क्या हो सकते, जैसे क्रोनिक ऑस्टियोमेलिटिस, ठीक है, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, ट्रॉमा, क्रशिंग इंजरी, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये सारे क्या हमारे इंडिकेशन. जैसे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, क्रशिंग इंजरी, एंड ट्रॉमा, ठीक है, ये सब ये क्या हुआ हमारा इंडिकेशन. कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, ठीक, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी में अगर बॉडी स्ट्रक्चर की सेम हो, साइज डिफॉर्मिटी, ठीक है, इस कंडीशन में भी हम एम्पुटेशन करते हैं. ठीक है, बर्न, फ्रॉस्टबाइट, ये सारा चीज क्या हुआ हमारा एम्पुटेशन के इंडिकेशन. ठीक है, तो एम्पुटेशन एज अ सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, इन्वॉल्व बोथ क्या चीज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव एक्सट्रीमिटीज. ठीक है, इन्वॉल्व जो होते हैं हमारे प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव एक्सट्रीमिटी. ठीक है, मतलब की ऑपरेशन, ठीक है, एक सर्जिकल रिकंस्ट्रक्टिव ऑपरेशन होता है जिसमें की इन्वॉल्व होते हैं प्लास्टिक को रिकंस्ट्रक्टिव. ठीक है, ये हमारा हुआ एम्पुटेशन. अब हम देखते हैं लेवल ऑफ एम्पुटेशन. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ठीक है, लेवल ऑफ एम्पुटेशन. फर्स्ट क्या होता है, लेवल ऑफ एम्पुटेशन इज अपर एक्सट्रीमिटी, एंड सेकंड क्या होता है, लेवल ऑफ एम्पुटेशन इज लोअर एक्सट्रीमिटी. ठीक है, ठीक है, बिलो नी, एंड क्या होता है,
हिप डिसएडिप्टेशन, ये हमारा हुआ लोअर एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। तो इसके एम्पुटेशन के टू लेवल है, एक क्या होता है अपर एक्सट्रीमिटी एंड सेकेंड क्या होता है लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं एम्पुटेशन के नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, इसकी प्री ऑपरेटिव, ठीक है, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो हम प्री ऑपरेटिव में क्या क्या उनको नर्सिंग के दान देते हैं, प्री ऑपरेटिव में हमको क्या करना है, टू रिलीज एंजाइटी, ठीक है। टू रिलीज एंजाइटी, टू रिड्यूस पेन, ठीक है। और क्या करना है उनको, तो उनको इंक्रीज करना है, ठीक है, टू इंक्रीज मोबिलिटी के लिए, ठीक है, उनको प्रोवाइड करना है प्री ऑपरेटिव टीचिंग, टू मेंटेन गुड न्यूट्रिशन, ठीक है, और इहाइड्रेशन करना है उनका जो रेस्पिरेटरी एंड रीनल सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारी चीज आपको असिस्ट करना है। ये क्या, ये कब, हम प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। और वैसे ही पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, उनको उनका जो कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, उनको मॉनिटर कर रहे हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि हेमरेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज को हमें असिस्ट करना है, मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं उनके, तो मॉनिटर उनका जो फिट बैलेंस है, ठीक है, वो मॉनिटर करना है, फिर उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ठीक है, और प्रमोट करना है जो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, इस चीज को भी हमको क्या है प्रमोट करके रखना है, ठीक है। और उनको जैसे कि जो हमारा पेशेंट केयर है, ठीक है, वो उनको देना है, ठीक है, जो जरूर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट केयर है वो हमको उनको प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, प्रोवाइड करना है। देन हमारे क्या हुआ, नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हम एम्पुटेशन में क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हुआ, एक्यूट पेन रिलेटेड टू एम्पुटेशन, एंड सेकेंड डिस्टिंक्ट बॉडी इमेज रिलेटेड टू एम्पुटेशन ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है। और क्या बन सकता है, जिसकी सेल्फ केयर डेफिशिएंसी रिलेटेड टू लॉस ऑफ एक्सट्रीमिटी, ठीक है, और इनएफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू फेलियर ऑफ, ठीक है, किस चीज के लिए, डीपेस्ट लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ डिफॉर्मिटी, ये क्या हुआ हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है।